ठीक है न्याय। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग जुड़ गए हैं और बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने शुरू से बताया था कि इसे तीन टॉपिक्स एंड एवेलेज और के बारे में मैं बताऊंगा, जिसमें और एवेलेज के बारे में मोस्ट ऑफ नियम बता दिया गया है। बताया था कि एंड के बारे में कुछ और जो है बताएंगे, जिसमें आपको इंटर लेवल का ही कोशिश करते हैं बताएं, उसमें हो सकता है कुछ और आगे एडवांस बढ़ें, लेकिन पहले मेरा यह होगा कि हम आप कुछ क्लियर कर दें। बहुत से नियम उसमें आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी कुछ ऐसे चीज़ हैं जो मैं आपको एक अलग चीज़ पढ़ाऊँगा। लास्ट क्लास में मैंने एक सेंटेंस लिखा था, सेंटेंस को अगर आप गौर करेंगे तो उस पर देखेंगे, वह सेंटेंस लिखे थे हमने आई हैव सीन, आई हैव आई हैव नेवर सीन हिम और राइट टू हिम। यहाँ पर मैंने राइट जो है जांग छोड़ा था कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, देखते हैं या नहीं देखते हैं, क्या आपका सोच है। ये राइट जो है यहाँ पर आपको गलत है, जिसे कहा जाता है आपको स्लिप ऑफ पेन। दो तरह के होते हैं, एक है स्लिप ऑफ पेन और एक है आपको स्लिप ऑफ टंग। लिखने में कहीं हाथ फिसल जाए तो उसका नाम है आपको स्लिप ऑफ पेन कहते हैं। ग्रामेटिकली यह जो लिखा हुआ जो है आपको गलत है, यहाँ पर राइट नहीं होगा बल्कि आपको रिटेन होगा। यहाँ पर राइट नहीं बल्कि आपको रिटेन होगा, तो इसे नाम है आपको स्लिप ऑफ पेन। अगर बोलने में कहीं कुछ जानते हो कहीं मिस कर जाए, स्लिप टंग फिसल जाए, उसका नाम है स्लिप ऑफ टंग, स्लिप स्लिप ऑफ टंग। ऐसा ही अगर दिखने में कहीं मिस कर जाए उसका नाम है स्लिप ऑफ पेन, स्लिप ऑफ पेन। आगे चले हम लोग एंड की ओर। सामान्य नियम यह है कि जब दो या दो से, सामान्य नियम है कि जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से संयुक्त हों तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पहला नियम हुआ। सेकेंड नियम यह है कि जब दो नाउन जो सिंगुलर हों एंड से संयुक्त हों और उसे एक ही चीज का बोध हो तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नियम तो आसान है लेकिन एग्जाम्पल कभी कभी मिलते हैं तो उसमें हो जाता है कन्फ्यूजन और हो जाता है गलत। नियम है कि दो नाउन एंड संयुक्त हों और उसे एक ही वस्तु का बोध हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे राइस एंड करी इज माय गुड फूड, राइस एंड करी इज माय गुड फूड,
यहाँ जो भर्व आपको सुन होगा इससे कि दोनों मिलकर एक आपको निर्माण किया फूड का, तो ये तो आसानी से आप समझ गए। अगर एक वस्तु नहीं बन पाएगा तो बहुत ज़्यादा पूर्ण सेंटेंस यही होगा, सिर्फ थोड़ा सा अंतर करते हैं। राइस एंड करी ब्लैंक डियर, ब्लैंक डियर ये होता है महंगा। जब महंगा है तो दोनों मिलकर महंगा नहीं है, तब राइस अलग करी अलग और राइस अलग, और यहाँ पर आपको ईज नहीं होगा, ये आपको हो जाएगा आपको आ हो जाएगा। यही प्रॉब्लम इस महीने में है, अगर नहीं समझे तो हो जाएगा आपको प्रॉब्लम। एग्जाम्पल और ब्रेड एंड बटर नॉट अवेलेबल हियर, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक नॉट अवेलेबल हियर। या मैं असल में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्रेड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, यहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं है, अवेलेबल है उपलब्ध है, और इस केस में आपको यहाँ पर इज नहीं होगा बल्कि आपको और होगा। तो मैं समझ गया कि समझ गए होंगे आप लोग कि जब एक ही वस्तु का बोध होगा तो आपको सिंगुलर होगा, जब अलग अलग का बोध होगा तो आपको प्लुरल होगा। ऐसे क्वेश्चंस न केवल आपको आता है फिर ब्लैंक्स में, बल्कि चूज करना पड़ता है कि सेंटेंस कौन सा सही है। मैं जान पर दे रहा हूँ, बताना आप लोगों को है क्या आंसर क्या होगा। एज एंड एक्सपीरियंस विजडम टू मैन, एक्सपीरियंस ब्लैंक विजडम टू मैन, ऑप्शन है ए में ब्रिंग, बी ब्राउट, सी ब्रिंग और डी नन ऑफ दिस। ये आपको ऑप्शन दिए गए, अब इसमें आप आंसर दीजिए। ब्रिंग ब्राउट ब्रिंग्स डिन ऑफ दिज, आंसर कौन होगा? बहुत का आंसर जो है आपको सी है, कुछ आंसर आप ए दिए हैं और किन्हीं का आपका आंसर सी है, तो इनमें जिनका आंसर सी है वह बिल्कुल आपको सही है। थैंक यू वेरी मच। यहां पर एज एक्सपीरियंस उम्र और अनुभव ये मानव को बनाता है बुद्धिमान, ये बुद्धि देता है, मतलब कि उम्र और अनुभव मनुष्य को बुद्धि लाता है, यह है ब्रिंग्स बुद्धि लाता है, और यहां पर दोनों मिलकर एक बना। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे आते हैं जिसमें आप कंफ्यूज कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
आर ट्रुथ एंड ऑनेस्टी. द बेस्ट पॉलिसी. बेस्ट पॉलिसी ऑप्शन ए में इज बी आर सी बोथ ए एंड बी और डी ऑफ दिस. इसे आंसर दीजिए. तो ऑनेस्टी ब्लैंक द बेस्ट पॉलिसी ऑप्शन ए इज बी आर सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दिस. सुधीर कुमारी आपको इज और कुछ आगे दिए हैं, कोई ए कोई बी कोई सी दिए हैं. तो थैंक यू वेरी मच. जिनका आंसर आपको ए है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इतना क्वेश्चन केवल ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी तो हर कोई समझता है. लेकिन ये दोनों जोड़ दिया जाता है तो भी आपको बेस्ट पॉलिसी है और ऐसे क्वेश्चन में आपको आंसर इज होगा. दो एग्जांपल आप लोग काफी सुने होंगे, उसमें आप लोग ध्यान देंगे, उसे नोट कर लेंगे और मैं समझता हूं कि आप लोग बना देंगे उसको, क्योंकि सुने होंगे उसको. स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस. यहाँ पर विंस जो है आपको सही है, ये फेमस है, हर कोई व्यक्ति जानते हैं. अगला मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसे आप बनाएंगे. टाइम एंड टाइड. वेट टाइम एंड टाइड ब्लैंक फोर नो मैन या होता है आपको नन. ऑप्शन में है वेट, बी है वेट्स, सी है वेटेड और डी नन ऑफ दिस. मोस्ट ऑफ के आंसर जो है आपको वेट है. थैंक यू वेरी मच. ये आपको याद करनी है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन या नो मैन होता है. और एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं विद्यार्थी ताकि कन्फ्यूज कर जाएं. और इसमें होता है वेट, स्टडी में होता है आपको विंस. इस पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा. द हैमर एंड सिकल ब्लैंक फ्लाइंग on the top of the
फ्लैग पोल. द हैमर एंड सिकल ब्लैंक फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द फ्लैग पोल. ऑप्शन है आपको इज, बी है आपको आर, सी आपको बोथ, ए एंड बी, और डी है आपको नन ऑफ दीज. आंसर क्विकली. द हैमर एंड सिकल ब्लैंक फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द फ्लैग पोल. इसमें कुछ विद्यार्थी जो हैं उनसे लगता है कि अर्थ नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ. ऐसे इसका आंसर जो होगा आपको ये होगा, आंसर आपको ये होगा. आप कम से कम सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए. सेंटेंस तब समझेंगे जब मीनिंग आपको स्ट्रांग होगा. और बढ़ाएंगे तो बेशक आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, हर सेंटेंस का मतलब आप समझ जाएंगे और तब बनाने में आपको मजा आ जाएगा. यहाँ पर ऐसे होता है हमेशा हथौड़ा, सिकल में हसिया जिसे आप काटते हैं घास वगैरह, हसुआ कहते आदि भाषा में. फ्लाइंग का मतलब है आपको फहर रहा, उड़ना के सेंस में फहर रहा, टॉप समझते ही है. अब फ्लैग पोल होता है आपको झंडा जो पोल लगे रहते हैं. इस हैमर एंड सिकल का मतलब कि हथौड़ा और सिकल जो है एक कम्युनिस्ट पार्टी का आपको झंडा है इसमें लगा रहता है, और इस आपको झंडा का बोध कर रहा है, ये बोध कर रहा है, दोनों मिलकर झंडा का बोध कर रहा है. फ्लैग पोल की ऊपर शिखर पर हैमर एंड सिकल जो झंडा है वह लहर रहा है, वह फहर रहा है, और इस दोनों मिलकर आपको एक बना, इसलिए आपको बाहर इसमें ईज हुआ. अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बेशक कन्फ्यूज कर जाएंगे. तो ऐसे चीज़ों को आपको जानना होगा, ऐसे एग्जाम्पल के जानना होगा, ताकि मेरा पढ़ा हुआ चीज़ जो है जो उसमें आंसर दूँ वह बिल्कुल सही दूँ. आगे है, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से संयुक्त हों और केवल प्रथम के पहले ही आर्टिकल लगा हो तो उसे एक ही व्यक्ति का भाव होता है जैसा आप जानते होंगे, और तब भाव होता है आपको सिंगुलर. जैसे द सिंगर एंड ड्रामाटिस्ट हैज कम बैक. द सिंगर एंड ड्रामाटिस्ट हैज कम बैक. व्यक्ति एक हैं लेकिन पद आपको दो है. मान लो इसमें कि दो से बढ़ भी जाएगा, दो तीन चार हो सकता है, सिर्फ पहला आर्टिकल होगा तो भर्ब आपको सिंगुलर ही होगा. जैसे स्क्रीन शॉट कर लेंगे, द राइटर पोएट नॉवेलिस्ट एंड क्रिटिक होता है आलोचक. क्रिटिक इज टू
अराइव हियर। व्यक्ति यहाँ पर एक हैं, राइटर भी हैं, पोएट भी हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं और साथ साथ में कृत्रिम आलोचक भी हैं। इसलिए आपको जो भर्व होगा वो आपको सिंगुलर होगा। इसमें ध्यान देंगे आप दो चीज, जान तो गए सिंगुलर, लेकिन दो चीज आपको जाना बहुत जरूरी है। पहला नंबर, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो जो भर्व होगा वह वाज होगा। अगर सेंटेंस में है, सेंटेंस में सिंस या फोर लगा हो जिसका मतलब से होगा, जब सिंस या फोर लगा होगा तब यहाँ पर आपको जो सेंटेंस आपको चेंज हो जाएंगे और सेंटेंस चेंज की स्थिति में आपको सिंस फोर की हालात में आपको हैज बीन होगा। वैसा ही देखना होगा आपको पैसिव सेंटेंस है तो पैसिव में भी चेंज कराते हैं। ऐसा नहीं केवल जान गए कि होता है सिंगुलर वर्ब और वहाँ पर केवल इज करते रहेंगे तो आपको सेंटेंस वो गलत हो जाएगा। जब सिंस फोर पढ़ाएंगे आप लोगों को तो डिटेल से बताएंगे कि सिंस फोर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कैसे होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कैसे होता है बता दूंगा। जानते होंगे आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, मैं इसको बता दूंगा डिटेल्स में। अगला पॉइंट कहता है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से संयुक्त हों और प्रत्येक के पर आर्टिकल हो तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे द आर्टिस्ट एंड द ऑथर, मीन्स लेखक, द आर्टिस्ट एंड द ऑथर, हैव बीन सिटिंग हियर फोर टू आवर्स। द आर्टिस्ट एंड द ऑथर have been sitting here for 2 hours। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक कलाकार हैं दूसरा लेखक हैं, और तब भर हुआ आपको पुलर हुआ। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक मैं सेंटेंस बनाऊँ उसे आपको बताना है कि सेंटेंस वो रॉन्ग है या करेक्ट है या फिर मेरा कंफ्यूजन है। वह सेंटेंस है द डॉक्टर कॉमा सिंगर एंड एंड द पोएट are to help us। यह बताना आप लोगों को है कि सेंटेंस रॉन्ग है, करेक्ट है या कुछ कंफ्यूजन है। द डॉक्टर सिंगर एंड द पोएट आर टू हेल्प अस। आप सोचें और आंसर आप रॉन्ग करेक्ट ऑप्शन दें। रॉन्ग में केवल डब्ल्यू दें, कैट में केवल सी दें
अब तो फिर कन्वे लिखना पड़ेगा। रवि कुमार का आपको सही है, बिट्टू कुमार का आपको राइट है, और किन विद्यार्थी का जो है आंसर हुआ रॉन्ग भी है। आप समझेंगे यह सेंटेंस आपको सही है, सही तो है लेकिन आप अच्छी तरह से फॉलो किए कि नहीं किए आप थोड़ा समझेंगे। अब समझ में आया है कि यहां पर व्यक्ति कितने, व्यक्ति इसमें एक हैं, दो हैं या फिर तीन हैं। यहां पर व्यक्ति जो हैं आपको मात्र दो हैं, ऐसे मोस्ट ऑफ आप जो विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि यहां व्यक्ति यहां पर तीन हैं, यहां दस छूट गया होगा इनसे, ऐसी बात नहीं है। इसमें व्यक्ति आपको दो हैं, एक ही व्यक्ति डॉक्टर भी हैं और आपको सिंगर भी हैं, और दूसरा व्यक्ति आपको द पोएट हैं। दो व्यक्ति हैं, एक डॉक्टर भी हैं और वही व्यक्ति सिंगर भी हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति आपको द पोएट हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, शुरू में यहाँ पर द होगा और एक ही व्यक्ति होंगे तो यहाँ द छोड़ देगा, और फिर आपको व्यक्ति अलग होंगे तो जो जोड़ दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं परीक्षा में जिसमें आप कन्फ्यूज कर जाएंगे, इसलिए इस पर थोड़ा सा सचेत रहेंगे। एग्जाम्पल है अ रेड व्हाइट एंड ब्लैक काउ इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। अ रेड व्हाइट एंड ब्लैक काउ इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। यह देखना है कि सेंटेंस जो है वह करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। यह सेंटेंस आपको सही है, गाय एक ही है जो तीन रंग का है, रेड भी है व्हाइट भी है ब्लैक भी, सब मिला जुला हुआ है। गाय एक रंग तीन, यहां बाहर हो जाएगा आपको सिंगुलर। इसी प्रकार से नियम यह है आगे है कि जब दो या दो से अधिक नाउन एंड संयुक्त हों और उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव हो, शायद यार नहीं सुने होंगे पजेसिव एडजेक्टिव, पी ओ डबल एस सी पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे आपको माई आपको आवर योर हिज हर इट्स आपको दे आपको दे, ये आपको पॉजिटिव एक्टिव है। नियम कहता है कि जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से संयुक्त हों और केवल प्रथम के पहले इसमें से कोई हो तो उससे एक ही का बहुत होता है और तब भर फिर होगा आपको सिंगुलर होगा। ये क्वेश्चन काफी आपके इंपॉर्टेंट हैं। माई फादर एंड गाइड, माई फादर एंड गाइड इज टू
टीच मी, माई फादर एंड गाइड इज टू टीच मी। जो पिता हैं वही आपको गाइड हैं, जो मार्ग आपको दर्शक हैं। इसलिए यहाँ पर जो आपको भर्व होगा वो आपको सिंगुलर होगा। यहाँ पर अगर द जोड़ते हैं तो आपको यहाँ पर इज नहीं होगा, बल्कि आपको सॉरी यहाँ पर अगर जोड़ते हैं आप पूरा माई जोड़ते हैं, माई फादर एंड माई गाइड, तो इज नहीं होगा बल्कि आपको हो जाएगा आर। चूँकि दो आपको व्यक्ति होंगे, फादर हो गए अलग, गाइड हो गए आपको अलग, और तब यहाँ पर इज नहीं बल्कि आपको आर होगा। इसमें आपको ध्यान देना होगा। लेकिन यह नियम लागू तब होता है जब ऐसे यहाँ पर नाउन आएंगे जो हो सकते हैं, पॉसिबल है। कोई ऐसे है कि पॉसिबल होते ही नहीं है। एग्जाम्पल देने आप लोग बताना होगा कि करेक्ट है या इनकरेक्ट। माई मदर एंड सिस्टर हैज कुक्ड फूड। माई मदर एंड सिस्टर हैज कुक्ड फूड। ये बताना है आपको कि सेंटेंस जो है वह करेक्ट है कि सेंटेंस आपको इनकरेक्ट है। दिलीप कुमार करेक्ट है ना, है या आमिर नवाज इंगर कहते हैं, रवि कुमार रॉन्ग बोलते हैं, है ना, अनिका कुमारी करेक्ट, रवि राजगुप्ता सही है। बिरकू कांत कुमार रॉन्ग है, अमिता कुमारी वर्मा इनकरेक्ट, थैंक यू वेरी मच। आलोक अग्रवाल रॉन्ग है, दिलीप कुमार सही है। तो ऐसे ऐसे आप लोग ड्रीम ऑफ लाइफ तो बड़ा अच्छा लिखे हैं भाई, करेक्ट लिखे हैं। लेकिन आप लोग को मैं कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूज करेंगे, थोड़ा समझेंगे। ऐसे होता क्या है कि पढ़ लिए कि दस जुट गया, माई जुट गया, तो आंसर मेरा सही हो जाएगा, जान गए सीख गए। लेकिन ध्यान देना है, डिप्रेशन कर रहा है बाबा कहता हूँ, तो सोचिए समझिए। लेकिन आप लोग दिमाग लगाए, कोशिश किए हैं, और व्यर्थी तो कम जुड़े हैं, चूँकि सुबह से मैं देख रहा हूँ कि व्यर्थी 6 बजे से ही ऑनलाइन देख रहे हैं। कहीं मैथ है, कहीं फीस है, केमिस्ट्री है, हिंदी, ऐसे करते करते उब गए हैं। लेकिन बाद व्यर्थी जुड़ते हैं, अच्छी बात देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। यह सेंटेंस जो है आपको रॉन्ग है। समझना यह है, माई मदर एंड सिस्टर, तो माँ जो है बहन नहीं हो सकती है, माँ ही जो है आपको बहन नहीं हो सकती है। और यहाँ मैं माई लिखा, तो जब माई लिखा और यहाँ पर हम दिए मदर सिस्टर, और यहाँ पर फिर मैंने दिया आपको हैज दिए, तो लगा कि एक ही हैं और यह सेंटेंस यही दिया हुआ है। लेकिन गलत सेंटेंस आपको रॉन्ग है। जब दो नाउन एक चीज नहीं बन सकता है, उस केस में आपको यहाँ भी माई होगा और यहाँ भी माई होगा, और यहाँ पर हैज नहीं आपको हैव होगा। जब दोनों मिल जाएगा, दोनों एक हो सकता है, तब आपको यहाँ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके ग्रुप में माई अंकल एंड फ्रेंड इज टू गिव मी मनी,
यहाँ पर आपका चाचा दोस्त हो सकते हैं, मेरा चाचा जो है मेरा दोस्त हो सकते हैं, चाचे मेरा फ्रेंड है, लेकिन इस फ्रेंड के बदले में अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आंट, मैं अंकल एंड आंट कर दूँ, तो ये कभी भी दोनों आपको एक नहीं हो, दोनों अलग अलग होंगे। जबकि एक अंकल फ्रेंड हो सकते हैं, अंकल गाइड हो सकते हैं, अंकल गार्जियन तो होकर होते ही हैं। उस केस में जब दोनों एक हो जाएगा तब आपको यहाँ भव सिनोर होगा और तब यहाँ पर केवल एक माया से काम चलेगा। जब दोनों एक नहीं हो सकते तब अलग अलग रहेंगे, बाइफर्केट रहेंगे, उस केस में यहाँ भी माई होगा या हिज होगा या हर होगा योर होगा, और यहाँ भी माई होगा हिज होगा हर होगा योर होगा, और तब यहाँ पर भव आपको प्लुरल होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एमिशन से पूछे जाते हैं। चूंकि एमिशंस में आपको आते हैं तीन या चार क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग आता है आपको, चूज अ करेक्ट सेंटेंस। अभी आपको बताए कि जुड़कर एक हो तो उसमें भर होता है सिंगुलर। मैं इसी पर थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ चेंज करके, आप बताएंगे वो सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट। चूंकि चूज करना आता है करेक्ट सेंटेंस, ही इज अ पोएट एंड अ ड्रामाटिस्ट। ही इज अ पोएट ड्रामाटिस्ट। ही इज पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, और डी है ही इज पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। ये आपको ए बी सी डी दिया हुआ है, आंसर देना है इसमें कि कौन सा जो है आपको करेक्ट है, मतलब ए कि बी कि सी कि डी। अमिता कुमारी वर्मा बी, बी विक्रुकांत कुमार बी, अंकित कुमार बी, दिलीप कुमार बी, थैंक यू वेरी मच। इसका आंसर जो होगा आपको बी होगा, व्यक्ति एक ही हैं जो पोएट भी हैं आपको ड्रामाटिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच, तो आप अच्छी तरह समझें। इस पर आप देखे सिंगुलर वर्ब प्लुरल वर्ब सेंटेंस रॉन्ग है करेक्ट है, जो आता है चूज करें चूज करें सेंटेंस। मैं एक अलग सेंटेंस दे रहा हूँ, आप चूज करेंगे वो सेंटेंस करेक्ट है इनकरेक्ट है, आंसर ए होगा बी होगा, और फिर उसको मन में आपको हिंदी करना है।
द रिच हैज विंग्स, डब्ल्यू आई एन जी एस विंग्स, बी होगा रिचेज हैज विंग्स, सी होगा द रिचेज हैव विंग, और डी होगा रिचेज हैज, रिचेज हैज विंग्स। ए है द रिच हैज विंग्स, बी है रिचेज हैज विंग्स, सी है रिचेज हैव विंग, और डी है रिचेज हैज विंग्स। आंसर देना है कि इसमें कौन करेक्ट है, और आपको मन में हिंदी भी करना है, और जब मैं हिंदी बोलूँगा उसे मिलाएंगे कि मेरा हिंदी सही हुआ या गलत हुआ। इसमें देखिए एक मिनट, इसमें दो जो है कि दिया गया है आपको डी और बी, इसमें बी का थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां से जो है यहां से एस जो निकल जाएगा। अब आप आंसर दीजिए, क्योंकि डी और बी सेम दिया गया था, तो रिचेज हैज विंग, रिचेज हैज विंग्स, द रिचेज हैव विंग, द रिच हैज विंग्स। अब इसे आप आंसर देंगे, ए है रविराज गुप्ता का, सी नंदिनी कुमारी, डी डी आमिर नवाज, सी अनुरुद्ध कुमार अभी बोले हैं गुड मॉर्निंग थैंक यू वेरी मच, और डीम ऑफ लाइफ का है द रिच है विंग्स, भाई अच्छी बात है डीम ऑफ लाइफ लिखे हैं थैंक यू। रजनीश कुमार का ए, रविराज गुप्ता का है आपको सी, तो अनुरुद्ध कुमार गुड आफ्टरनून थैंक यू वेरी मच, बाद में जुड़े हैं, अरे भाई पहले से जुड़ा होता अच्छी बात लगता, हमको ही मन लगता, क्योंकि आप लोग सुबह से पहले थक गए हैं। शशिकांत कुमार का आंसर है बी, राजू कुमार का आंसर है सी, आप लोग एग्जैक्ट सही पॉइंट पर ऊपर आगे निकल गए, किन्हीं का था लिखा हुआ, जो आंसर था आपको डी वह बिल्कुल सही है, आंसर इसमें डी होगा। मोस्ट ऑफ विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, इसका नाम है आपको कन्फ्यूजन, तो थोड़ा समझेंगे हिंदी आप मन में क्या किया, मैं तो लिखा होता कि आप ऐसे मतलब भेजे इसका हिंदी क्या होगा, तो वक्त कम है उसी में लग रह जाएंगे, इसका आंसर आपको डी होगा। आप कहिए कि आंसर ए क्यों नहीं होगा, तो द रिच हैज, ऐसे भी द रिच में आपको भर होता है पुलर, तो पुलर हैव क्या होते विंग्स, कि अमीरों का पंख होते हैं उड़ते हैं क्या, बोलते तो नहीं है, तो सेंटेंस यू आपको रॉन्ग। बी में रिचेज हैज विंग, आप यह जानते होंगे कि किसी एटिव के अंत में एस लगाकर उसे पुनः जो है आपको पुलर लगाता है, जैसे पुअर है तो पुअर का पुअर्स नहीं होता है, ब्लाइंड का ब्लाइंड नहीं होता है, आपको बैड है तो बैड आपको नहीं होगा, इस प्रकार से सेंटेंस आपको बी रॉन्ग है। सी है द रिचेज हैव विंग, जब ए पुलर है, ए पुलर है तो ये भी आपको पुलर होगा, ऐसा नियम है। अब कहेंगे आप तो सर डी बताइए कि डी सही क्यों कर दिए,
एक्चुअली यह आपको जो है एक प्रोवर्ब है, हिंदी होता आपको कहावत, और बहुत से प्रोवर्ब जो है इंग्लैंड के लोग जो बना के दे दिए हैं, जिसे ब्रिटिश कहते हैं, जो ब्रिटेन वाले जो बना के दिए हैं, उसे हम लोग को पढ़ना पड़ता है। वही पढ़ते हैं, वही पढ़ाते हैं, आप सीखते हैं, आप भी किन को सिखाएंगे। तो उठता सवाल है कि रिचेज हैज विंग्स का मतलब क्या होता है। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही लाजवाब इसका हिंदी है, और हिंदी यह है, लक्ष्मी चंचला होती है, लक्ष्मी चंचला होती हैं। रिचेज हैज विंग्स, लक्ष्मी चंचला होती हैं, मतलब धन का होता है पंख, धन आज है, धन कल नहीं रहेगा। घमंड करता आदमी धन पर, वह धन अस्थायी नहीं है। तो यहाँ हुआ कि आप जो हैज विंग्स, इसका मीनिंग इंग्लिश में मीनिंग होता है, वह मीनिंग होता है इंग्लिश में मनी, कैन डिस अपीयर इजली, मनी कैन डिस अपीयर इजली, ये रुपया पैसा जो है आसानी से गायब हो सकता है। ऐसा लक्ष्मी आज हैं, कल वहाँ नहीं, कल वहाँ चल जाएगी, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। एक और हिंदी इसका है, उसका हिंदी यह है, माया ही बादल की छाया है, माया ही बादल की छाया है। दो हिंदी हुआ, एक खुलमचदा होती है, सेकंड है माया ही बादल की छाया है। इस प्रकार से आप इसे याद कर लेंगे, नहीं तो आप इस सेंटेंस को रॉन्ग मान लेंगे, या फिर हैज को वहाँ पर हैव कर देंगे, यहाँ फिर या तो ईएस को काट देंगे, ये सारे आप कर सकते हैं। मैंने जब क्लास शुरू में किया था तो बताया था कि एंड और एडवर्ब्स के बारे में समझा दूंगा। मैं कोशिश किया कि जो तीनों टॉपिक दिए थे उसमें जो आपका लेवल का है वहाँ तक मैं सिखा दिया, इसके बाद भी कुछ और अपर लेवल हैं। आज के बाद जिन विद्यार्थी को ऑनलाइन पढ़ने की इच्छा होगी वे हमारे फ़ोन नंबर से कॉन्टेक्ट करेंगे 9934109766, इस पर कॉन्टेक्ट करेंगे, उन्हें आईएससी का कोर्स और उसके अलावा एक और जो है हो सकता है कि मैं शुरू करूं, जैसा आप लोगों का अच्छा रिप्लाई मिलेगा, वो कंपटीशन का बैच होगा जिसमें जो कम से आते हैं आपको अपोइट वर्ड, नियस्ट वर्ड, फ्रेज, डीपली प्रोविशन, कंप्रहेंशन, क्लॉज टेस्ट, सिंगल वर्ड फॉर वर्ड्स, फिर ब्लैंक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस, कन्फ्यूज वर्ड्स में स्पेल्ट, इस सारे जो आते हैं मटेरियल्स उसे में प्रतिदिन के हिसाब से आपको 10 नियरेस्ट वर्ड, 10 अपोजिट वर्ड्स, 5 मिस स्पेल्ट या फ्रेज, और उसमें जो हैं आपको एक माह में 3 टेस्ट होंगे, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली, 7 दिन पर, 15 दिन पर और 30 दिन पर। फिर जब मैं सिखा दूंगा वो कोर्स होगा आपको 6 मंथ का, और लास्ट में आपको फाइनल टेस्ट उसे कई बार लेंगे, और फिर आपको मैं तैयार कर दूंगा। जिन्हें आईएससी पढ़ना होगा उन करेंगे, उनको भी सही मटेरियल साथ भेजूंगा और दूंगा, साथ साथ में उनका भी आपको हर टॉपिक्स पर अच्छे से टेस्ट होगा, अभी तो मैं लिखा रहा था, इसे मैं सही में दूंगा और आप उसे सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।